बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं क्लास 10th सिंपल क्वेश्चन पेपर बेसिक में दिया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आप बिल्कुल लाइफ टाइम इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है सर्कल चैप्टर से है। क्वेश्चन बोलता है कि टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू। तो बच्चों देखिए, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बोलता है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल का 2 गुना है, माने दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल ओ पी क्यू। इसको हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सर्कल के कुछ प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। कि पहला जो प्रॉपर्टी है सर्कल का, वो क्या होता है कि मान लीजिए एक सर्कल है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम लोग इसके ऊपर एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों को टच करता है ये इक्वल होता है। माने अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूँ, ए बी एक टेंजेंट है और ए सी एक टेंजेंट है, तो ए बी इक्वल होगा ए सी के। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है, टेंजेंट ड्रान फ्राम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दूसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो होता है कि जो रेडियस होता है, मान लीजिए इसी सर्कल पे एक रेडियस जो है ये बी डी है, तो रेडियस जो है इसके पेपेंडिकुलर होता है हमेशा, माने बी डी पेपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे पेपेंडिकुलर होता है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग खींचते हैं सर्कल के 2 पॉइंट पे, उनका लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों इसे समझने वाला इस चैप्टर से, यानी इस क्वेश्चन पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। जो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड इक्वल हैं, जैसे ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल के अगर 2 साइड इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल जो है हमेशा इक्वल होता है। ये जो आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसमें एक और सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि बहुत इजीली हमको समझ में आ जाए। हम इन सारे एंगल का नाम दे देते हैं। तो ए एंगल ए हो जाएगा मान लीजिए, और इसको एंगल बी ले लेते हैं, और इसको एंगल सी ले लेते हैं, और इसको एंगल डी ले लेते हैं। अब हम लोग ये जो नॉलेज है टेंजेंट और सर्कल से जुड़ा हुआ, और ये जो ट्राइंगल से जुड़ा हुआ, उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इन ट्राइंगल पी टी क्यू, ट्राइंगल पी टी क्यू में क्या होगा, जो एंगल बी है और सी है और डी है, इनका जो सम हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कहाँ से आया? ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ जो है, जो आइसोसेलस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों टेंजेंट मान टी पी और टी क्यू इक्वल हैं, तो जो एंगल सी और एंगल डी है वो इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, है ना, एंगल अपोजिट टू एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, ये हमारा इसमें दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा चीज़ जो है वो क्या है कि ए प्लस सी, एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू जो है 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। मैंने बताया कि रेडियस जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। अब देखिए, इन तीनों को यूज करके हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो बी है बी इक्वल टू टू ए, ये हमको प्रूफ करना है। मानी ये जो एंगल पी टी क्यू है जिसको हमने बी नाम दिया है, वो 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा एंगल ओ पी क्यू के, माने ए के। ये इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जो सारे टर्म हैं वो बी और ए के रूप में आ जाए। तो बी और ए के रूप में लाने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बी सी डी वाले में। तो यहाँ पे देखिए, सी का वैल्यू जो है वो डी के इक्वल है, और यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये जो डी है उसको हम सी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि सी इक्वल टू डी है।
अब इसी में देखिए, ये हो जाएगा बी प्लस टू सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस वाले पे देखेंगे तो सी का वैल्यू क्या जाएगा, सी का वैल्यू आएगा 90 माइनस ए, ए को इधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 90 माइनस ए आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो बी प्लस टू इंटू 90 माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख देंगे क्या कि ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मैं बता चुका हूँ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी प्लस टू इंटू 90 180 माइनस टू इंटू ए 2a इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा बी इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 2a, 180 से 180 कैंसिल हो गया तो b इक्वल टू 2a आ गया। यहाँ पे b क्या है बच्चों, देखिए b एंगल क्या है, पी टी क्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ये जो है एंगल ओ पी क्यू है, तो इससे ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो बच्चों इस वीडियो के द्वारा मैंने बताया है कि कैसे इस बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी सिंपली तरीके से, अगर आपको बेसिक से मालूम है सर्कल से, टेंजेंट से और ट्रायंगल से रिलेटेड, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।